नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, दोस्तों 18 और 19 नवंबर 2022 से धरती पर पहली बार आपके ज़िंदगी में इतने बड़े भयंकर परिवर्तन होने वाले हैं दोस्तों, जिसे देखकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि यह समय अंतराल में आपके कुंडली में माता रानी की कृपा दृष्टि पड़ रही है, जिस कारण से आपके ज़िंदगी में होने वाले हैं बहुत ही बड़े बड़े खास बदलाव। जी दोस्तों, यह बदलाव आपकी ज़िंदगी के लिए इतना इम्पोर्टेंट बदलाव होगा जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी दोस्तों, आप सभी को मतलब कि आपकी ज़िंदगी में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद हैं या फिर जो भी दुश्मन आपको लगातार परेशान कर रहे थे, दोस्तों अब माता रानी उन्हें खून के आंसू रुलाने वाले हैं। जी दोस्तों, यूँ कहें तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी अचानक से इस तरह से बदलेगी जिसे देखकर आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी दोस्तों, तो आज की पूरी वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 18 और 19 नवंबर आने के दो दिनों के आपके राशि फल की महाराशि फल के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दो दिनों में जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी डे है, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और ढेर सारी बधाई। आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। दोस्तों यह दो दिनों का समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों यह दो दिनों के समय अंतराल में आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, तो कौन कौन से खास बदलाव आपकी ज़िंदगी में इसमें होने वाले हैं दोस्तों, साथ ही आप लोगों को इसमें क्या क्या खुशखबरियाँ भी प्राप्त होने वाली हैं। और दोस्तों साथ ही बात करेंगे या दो दिनों के समय अंतराल में आप लोगों को क्या क्या सावधानियाँ भी रखनी पड़ेगी, तो कौन से गलत कार्यों को करने से इसमें आप लोगों को बचना होगा और किन चीज़ों से इसमें आप लोगों को सावधान और सतर्क भी रहने की काफ़ी आवश्यकताएँ होंगी। और दोस्तों साथ ही बात करेंगे या दो दिनों में आपका लव लाइफ कैसे रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगी और करियर धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, घर परिवार का माहौल कैसे रहेगा और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों सारे के सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को हम पूरी सटीक देंगे, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले केवल माता रानी के सभी सच्चे और प्यारे भक्त इस वीडियो को अभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा भाव से जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनेगी और आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां चल रही हैं उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी और माता रानी के आशीर्वाद से आपके घर में सदैव सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों आप लोग जय माता रानी जरूर लिखेंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ। दोस्तों इन विचारों को आप लोग जरा ध्यानपूर्वक से अवश्य सुनेगा क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट विचार साबित होगा। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो लोग हमेशा सकारात्मक सोच आने की पॉजिटिव थिंक के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो समय और लोगों का इंतज़ार करने के बजाय खुद आगे बढ़ते जाओ, फिर पीछे देखो सारी दुनिया आपका अनुसरण करने लगेगी। जो दोस्तों इसलिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो खुद कदम बढ़ाओ और खुद आगे बढ़ो, फिर देखो आपको सफलता अवश्य ही मिलेंगे। दोस्तों आप जीवन में अकेले आए हैं तो आपको अकेला ही कदम उठाना पड़ेगा। जी दोस्तों अगर आप जीवन में एक बार जो भी फैसला कर लिया तो फिर मुड़ कर कभी मत देखना, क्योंकि बार बार मुड़ कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बदलते हैं। जी दोस्तों इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों अगर गुरु जी का यह ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा हो और सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में प्रेम से जय गुरुदेव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों गुरु जी का सीधा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलिए बात करते आने वाले या दो दिनों की आपकी राशि फल की महाराशि फल के बारे में। दोस्तों आने वाले दो दिनों का समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट समय रहने वाला है। दोस्तों यह समय आपको अपनी सेहत और शत्रु को लेकर बेहद ही सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगे। दोस्तों यह समय की शुरुआत में ही आपको उन लोगों से बेहद ही ज़्यादा सतर्क और रहना होगा जो आपको हमेशा बहकाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दोस्तों इस दौरान आपको बेवजह के विवाद में उलझने की बजाय अपने काम से काम रखना चाहिए और अपने काम में कोई भी लापरवाही किए बगैर बेहतर तरीके से अंजाम देना चाहिए। और दोस्तों यह समय के मध्य में
परिवार के साथ किसी भी परिसर की सेहत को लेकर आपका मन या समय थोड़ा चिंतित भी रह सकता है। हालांकि आपको अपनी सेहत का भी खूब ख्याल रखने की आवश्यकताएँ रहेंगी और यह समय कोई भी पुरानी बीमारी उभरने के कारण आपको मानसिक एवं शारीरिक कष्ट मिल सकता है। और यह समय के उत्तरार्ध का समय परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए बेहद ही शुभ समय साबित होगा। दोस्तों इस दौरान उन्हें उनकी मेहनत का मनचाहा फल भी मिल सकता है। और दोस्तों भूमि भवन से जुड़े विवाद किसी भी प्रव्यक्ति की मदद से इसमें दूर भी होंगे। और दोस्तों लंबे समय से अटके हुए कार्य इसमें पूरे हो जाने पर आप राहत की सांस भी इसमें लेंगे। और दोस्तों प्रेम संबंध इसमें विवाह में तब्दील हो सकते हैं और उतार एवं चढ़ाव भरे समाज में जीवन साथी का पूरा साथ भी मिलेंगे और दाम्पत्य जीवन में इसमें आपका सुखमय बना रहेगा। और दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को अपना काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा उसमें होने वाली गलतियों अथवा समय पर काम न पूरा होने के लिए बॉस के गुस्से का शिकार आपको होना पड़ सकता है। तो इस बात का इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस दौरान घर और बाहर स्वजनों से मनचाहा सहयोग न मिल पाने पर मन आपका थोड़ा इसमें दुखी भी रहेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेंगे, अन्यथा बाद में आपके साथ कुछ बड़े धोखेदारी भी हो सकते हैं और आप दोनों के बीच कुछ बड़े विवाद भी हो सकते हैं। तो यह समय आप लोग जितना भी क्लियर करके आगे बढ़ेंगे उतना ही आप सभी के लिए बेहतर साबित होंगे। जो दोस्तों और यह समय आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेंगी। इस दौरान आप मौसमी या फिर पुरानी बीमारी के चलते शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान भी हो सकते हैं। तो यह समय आपको अपने सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकताएँ होंगी। और यह समय के मध्य में नौकरी पेशा लोगों का मनचाहा जगह पर तबादला या फिर जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। इस दौरान अपने अधूरे या फिर बिगड़े काम को बनाने के लिए सीनियर और जूनियर को मिलाकर चले तो आपके लिए बेहतर रहेंगे और आपके सारे काम भी जल्दी ही पूर्ण बन जाएंगे। और दोस्तों यह समय के उत्तरार्ध में विदेश से जुड़े करियर और कारोबार के लिए प्रारस्थ लोगों को मनचाही सफलता मिल सकती है। यह समय कमीशन एवं फाइनेंस आदि का काम करने वालों के लिए भी समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। जी दोस्तों और यह समय के अंत में आर्थिक दिक्कतें भी आपके जीवन काल में आ सकती हैं, तो यह समय आपको खर्चों में थोड़ा सावधानी रखनी होगी। और दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ में कोई अड़चने डालने की कोशिश भी कर सकता है, तो ऐसे में आपको प्रेम प्रसंग में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से भी आपको यह समय बचना होगा। और यह समय किसी भी गलतफहमी को विवाद की वजह संवाद से दूर करें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। दोस्तों आप यह समय अपनी वाणी पर मीठी हाव भाव रखेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेंगे। और दोस्तों दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत आपकी चिंता का बड़ा कारण भी बनेंगी और मौसमी या फिर एलर्जी होने वाली बीमारियों के प्रति इसमें आप लोग जितना सचेत रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। और दोस्तों इसमें घर परिवार में भी सुखद वातावरण बना रहेगा और सभी सदस्यों के बीच अच्छा आपसी तालमेल भी बना रहेंगे। मामा पक्ष से इसमें सहयोग भी मिलेंगे और माता पिता के साथ यह समय आप लोग धार्मिक स्थानों की यात्रा की भूमिका भी बन सकती हैं। और यह समय पड़ोसियों के साथ किसी बात पर मतभेद भी हो सकते हैं, तो यह समय आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और सायंकाल का समय घर के छोटे सदस्य के साथ व्यतीत करना आपके लिए पसंद करेंगे।